जिंदगी बहुत खूबसूरत फिनोमेना है। अब मेरी उम्र है 62 years, 63 हो जाएगी मई में। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ये इट वाज यस्टरडे। और जब मैंने ऐसे आंख खोली ना, होश जो मुझे याद है तो वो 1965 है, और 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग लगी थी। और मेरे आंखों के सामने वो मंज़र है कि सायरन बजता था और हम लोग वहाँ मुल्तान में रहते थे, तो एकदम घरों से भाग के, और गवर्नमेंट के बंदे आए थे जिन्होंने आके घरों में ट्रेंचेस खोद के दी थी। और जो घर के अंदर जितने कमरे थे ना, बेडरूम वगैरह, उन सब पे काले काले कपड़े वो लगा दिए थे, यानी काले रंग के कागज़ लगा दिए थे सारे, या काला पेंट कर दिया था, क्योंकि एक सायरन बजता था तो आपने सारी बत्तियां बंद कर देनी होती थी, ताकि नीचे से बत्तियां ना, जहाज़ आते थे ऊपर से। ज़्यादा उस वक्त GPRS और इस तरह का तो सिस्टम नहीं था, अब तो जहाज़ों को ज़रूरत ही नहीं है, तो रोशनी देख के कि वो हमला करते होंगे। और फिर जनाब सायरन बजता था, हम भाग के वो ट्रेंचेस में चले जाते थे। तो हमारे लिए तो वो फ़न होता था ट्रेंचेस, क्योंकि अंदर दरी बिछी होती थी, तो सारे हमारे ताया अबू, मेरे अबू और यानी आपकी दादी अम्मा और हमारी ताई अम्मा जो है, बड़ी दादी अम्मा, वो और बच्चे सारे हम बैठे, हम अपने जाने खेलते थे, शोर लगाते थे। एक रेडियो ज़रूर होता था जो गोद में होता था ताया अबू के और अबू के, और वो सुनते रहते थे अब खबरें ये हुई, और ज़बरदस्त तराने उसमें आते होते थे। तो ये मुझे, और ये मुझे बिल्कुल कल की बात लगती है। और जब पहली दफ़ा मुझे स्कूल में दाखिल कराने के लिए ले गए अबू, मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। तो ऐसे अम्मी छोड़ने आईं और मैं बिल्कुल नहीं रोया था, खुशी 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 स्कूल में गए। और फिर जब हम हुए लाहौर शिफ्ट हो गए, उसके बाद लाहौर शिफ्ट हो गए, तो मैं अपने अबू के साथ लाहौर जाता था, तो मुझे वो माल रोड याद है। अब माल रोड देखना कितना रश होता है, डबल, तो माल रोड डबल नहीं होती थी, सिंगल रोड होती थी, और उसके अंदर वो बग्गी भी चल रही होती थी, टांगा भी चल रहा होता था। अबू के पास एक स्कूटर होता था, उस पर हम जाते थे, तो कोई नहीं, तो इतनी ज़्यादा वो पुरसकून होती थी। और मुझे सारे मंजर बड़ी अच्छी तरीके से याद है। फिर जब मैं मैट्रिक किया, मैंने FSC की, मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, MBBS किया, फिर हाउस जॉब की, बड़ी लाइफ में मेहनत की, FCPS किया, FRCS किया, ऑस्ट्रेलिया गया। जिसमें ऑस्ट्रेलिया गया हूँ ना, तो आप उस वक्त कुछ महीनों की थी, कुछ महीनों की, तो मैं बड़ा उदास होता था, तुम्हारी तस्वीरें खींच के लेके गया था। और जब मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहाँ जितनी वहाँ नर्सेज काम करती थी ना, सबको पता था कि इनकी, इसकी एक बेटी है रिदा। और वहाँ पे मैं रात को वहाँ से फ़ोन किया करता था, तो वहाँ उसमें सिक्के डाल के फ़ोन करना पड़ता था। तो मुझे पहली दफ़ा आपकी अम्मी ने बताया कि आज रिदा ने बात की है। तो उन्होंने कहा क्या बात की, कहते उसको वो झूले पे बिठाया था, तो उसने कहा था मैं डरती हूँ। तो मुझे तो जो पहला फिक्रा मैंने सुना ना आपका, वो मैंने ऑस्ट्रेलिया में सुना। मैंने फ़ोन पे कहा कि रिदा अबू से बात करो। मैं कहा रिदा आप झूले में बैठती हो, तो आपने कहा डरती हूँ। तो मैं बस उसी फिक्रे के अंदर मस्त रहा और बहुत देर तक सोचता रहा। फिर देखते ही देखते आप बड़े हो गए, डॉक्टर बन गए, फिर शादियां हो गई आपकी, फिर अल्लाह ने आपको औलाद दे दी। और वाकई मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे अभी कल की बात है बिल्कुल। और ये काश ना ये बातें हमें जवानी में समझ में आ जाएं, कि जो आपका वक्त है ना, उस वक्त को बहुत ही कीमती जानना है, और उस वक्त के अंदर से जो मैक्सिमम निकल सकता है ना, वो हमें निकालना है। अब आप, हम दोनों बैठे हैं ना, अभी गप्पे मार रहे हैं, तो अब ये वाला टाइम हमारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा। ये सिर्फ एक दफ़ा ये टाइम, यूनिक टाइम था, जो आधा पौना घंटा हमारी ज़िंदगी में आया। अब इस आधे पौने घंटे को अगर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारा, भरपूर तरीके से गुजारा, और जो बेस्ट आउट ऑफ इट निकाला, और इसके अंदर हम अपने माजी को ना लेके आए और मुस्तकबिल को ना लेके आए, यानी यहाँ बैठकर हम माजी के दुखड़े फोड़, ओए अल्लाह मुझे ये तकलीफ हुई थी, मुझे ये, या कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, इसकी बजाय हम इस टाइम को, कि रिदा अभी आई हुई है छुट्टियों पे, अभी कुछ अर्सा मेरे साथ है, 14 तारीख को चली जाएगी, तो मैं इसके साथ बेस्ट टाइम अपना गुजारूँ। तो इसी तरीके से हम पूरी ज़िंदगी को ना, जो अब बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी गुजारें। तो आप इस दौरान में हमें तकलीफ़ भी हो सकती है, ये भी हो सकता है जिस वक्त हम एक वक्त गुजार रहे हैं, हमने लोगों का बहुत कर्ज़ा देना हो, ये भी हो सकता है हम बीमार हों, ये भी हो सकता है कि कोई और हम प्रॉब्लम हुआ हो, कोई इम्तिहान में फेल हुआ हो, कुछ और प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन वो सारा का सारा प्रॉब्लम अपनी जगह पर है, मगर उस लम्हे के अंदर से जो कुछ निकल सकता है उसको निकालना अपनी जगह पर है। और ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो
तो जब आदमी बिल्कुल बूढ़ा हो के ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखेगा तो वो ज़िंदगी से बहुत खूबसूरत नज़र आएगी, क्योंकि उसने ज़िंदगी को जिया होगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सर लोग जो हैं वो ज़िंदगी को जी नहीं रहे होते, ज़िंदगी उनका रगड़ा निकाल रही होती है। टाइम इज़ क्रशिंग दैम बट दे आर नॉट यूटिलाइजिंग टाइम, और वो ज़िंदगी को जी नहीं रहे होते, बल्कि ज़िंदगी उनको उन पर मुबतला हुई होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर यूं करते करते जीने से मुराद क्या आप एंजॉय करो, क्या मतलब? जीने का मतलब ये है कि ये कितना बड़ा तिलिस्मी काम है कि मैं इस वक्त ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले सकता हूँ, और जो ज़िंदा है वो उसके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, सारे इम्कानात मौजूद हैं, और एज सच ज़िंदा होना ही इतना बड़ा प्लेजर है और इतनी बड़ी सआदत है और इतनी बड़ी यानी आपके लिए खुशी है कि वो खुशी ही काफ़ी है हर सांस को सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा, इस दौरान में हम हमारा ये है कि हम उस इन तमाम नेमतों को छोड़कर जो हमारे साथ थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आए होते हैं ना, हम उनका सारा दिन बीन बजाते रहते हैं कि मैं तो बाकी तो ठीक है, मेरी सांस नहीं अच्छी, बस वो इस चक्कर के अंदर पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, या ये है कि मेरा बॉस नहीं अच्छा, उसमें पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो इसका मतलब है जीना, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएँ तो इस तरीके से ना जाएं कि जैसे एक आदमी भूखा आदमी ना खाने पे लपट रहा और लोग ज़बरदस्ती उसको छुड़ा रहे हों, बल्कि इस तरह से जाएं कि लोग कह रहे हों कि बैठे तशरीफ़ रखें कुछ खाएं, और हम कह रहे हों नहीं थैंक यू यार मेरा पेट भर गया, और दुनिया से रज के हम जाएं, दुनिया की तमाम चीज़ों से वो हो के रज के जाएं, और जिस वक्त हम जाएं तो अवेयरनेस की हालत में जाएं, आपको पता हो कि हम जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस की हालत में जाना जो है ना, यही ईमान की मौत है, जिसमें आदमी को पता हो कि वो मैं जा रहा हूँ, और वो अपने सही यानी अंडरस्टैंडिंग पर हो, सही फेथ पर हो, तो इसी का नाम ईमान की मौत है। तो ये है मुख्तसर ज़िंदगी की कहानी।